गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं मुजाहिद जय गुरु प्राइवेट आईटी के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो आवाज़ थोड़ा सा हो सकता बैठा हुआ मिले, तो मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से क्लास लूँ। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग क्या जानेंगे, जैसे कि पिछला क्लास में हम लोगों ने जाना था ब्लास्ट फर्नेस के बारे में। ब्लास्ट फर्नेस में किस आयरन को तैयार किया जाता है, ठीक है, कौन सा लोहा बनाया जाता है। तो ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग ने जाना कि उसमें पिग आयरन तैयार की जाती है, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस से क्या की जाती है, पिग आयरन तैयार की जाती है, ठीक है। आज जो हम लोग जानेंगे, हमने जैसे पिछले क्लास में ये भी बताया था कि तीन तरह का फर्नेस है मुख्यतः, जो कि हम उसको यूज़ में लाते हैं और उससे आयरन तैयार करते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस से हम लोग पिग आयरन तैयार करते हैं। आज जो हम लोग जानेंगे क्यूपोला फर्नेस, ठीक है, आज हम लोग जानेंगे क्या क्यूपोला फर्नेस, ठीक है। तो क्यूपोला फर्नेस में कौन सा आयरन तैयार किया जाता है ये आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्यूपोला भी एक प्रकार की क्या होती है, भट्टी होती है। इसके इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या कह सकते हैं, क्यूपोला भी एक प्रकार की क्या होती है, भट्टी होती है, फर्नेस में भी भट्टी, ठीक है, और जिसको माइल्ड स्टील की प्लेट से बनाया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस को हम स्टील से बनाते हैं और इसको क्या होता है, माइल्ड स्टील की प्लेट से बनाया जाता है, और इसके चारों तरफ क्या होता है, फायर ब्रिक्स की लाइनिंग की हुई होती है, ठीक है। और इसकी भी ऊंचाई होती है, लंबाई बोलिए ऊंचाई बोलिए, और इसके भी कुछ डायमीटर होते हैं, ठीक है, वो जबकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है। जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ उस पर बात करूँगा, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आप लोगों को वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि इसके अंदर क्या होता है, पिग आयरन और कास्ट आयरन के स्क्रैप, जो कि क्यूपोला फर्नेस में क्या होता है कि पिग आयरन और कास्ट आयरन के स्क्रैप, स्क्रैप मतलब जो मतलब कुछ बर्बाद हुआ पहले से मेटल है, ठीक है, या उसके चिप्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रैप कोयला और चूने का पत्थर को क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में मिलाकर क्या हो किया जाता है, भट्टी के अंदर डाला जाता है। तो हम इसका इंट्रोडक्शन में हम कह सकते हैं, इसको इंट्रोडक्शन में आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है, कि इसके अंदर क्या किया जाता है, पिग आयरन प्लस कास्ट आयरन, ठीक है, पिग आयरन और कास्ट आयरन प्लस, ठीक है, स्क्रैप पिग आयरन कास्ट आयरन के क्या दोनों मतलब स्क्रैप, ठीक है, या ये याद रखिए, पिग आयरन और कास्ट आयरन के स्क्रैप प्लस चूने का पत्थर, ठीक है, चूने का पत्थर, इसको हम फ्लक्स के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, प्लस चूने का पत्थर को एक निश्चित अनुपात में क्या किया जाता है, मिलाकर भट्टी में डाला जाता है। और इसको फिर क्या किया जाता है, 1250 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1350 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। और पिघली हुई धातु को क्या किया जाता है, एक मोर्स बनाकर जब हम इतना पर ये सब चीज़ को इतना डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म कर लेंगे भट्टी में, क्यूपोला भट्टी में, तो क्या होगा कि हमारा धातु का एक क्या होता है, साँचा तैयार हो जाता है। तो जो कि क्यूपोला फर्नेस से जो लोहा हम तैयार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कास्ट आयरन कहते हैं। मतलब जो मेटल हम निकालेंगे, मतलब क्यूपोला फर्नेस से जो मेटल हम तैयार करते हैं, तो किस मेटल को तैयार करते हैं, कास्ट आयरन को तैयार करते हैं, ठीक है, ये मेटल को हम क्यूपोला फर्नेस से तैयार करते हैं, मतलब कास्ट आयरन को हम क्या करते हैं, क्यूपोला फर्नेस से हम तैयार करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लास्ट फर्नेस से किस आयरन को तैयार किया जाता है, तो पिग आयरन को तैयार किया जाता है, ठीक है, और क्यूपोला फर्नेस में किस आयरन को तैयार किया जाता है, तो कास्ट आयरन को तैयार किया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम जानेंगे कास्ट आयरन के इंट्रोडक्शन में अभी हम लोगों ने जान रहा है,
तो इसमें आप लोग मुख्यतः क्या हो जाता है कि दो मतलब इसका अधिकतर प्रयोग हम लोग कास्ट आयरन का कहाँ करते हैं, मशीनों में प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल भाइस बनाने में, ठीक है, भाइस क्लैम बनाने में, भी ब्लॉक बनाने में, ठीक है, और लेथ मुख्यतः लेथ मशीन के बेड बनाने में मुख्यतः कास्ट आयरन का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कास्ट आयरन में क्या होता है कि कार्बन की मात्रा निम्नलिखित रूप में पाया जाता है, जो कि हम मुख्यतः दो प्रकार का है। तो पहला हम देखते हैं, ठीक है, फ्री कार्बन, ठीक है, पहला क्या है, फ्री कार्बन, जिसको हम ग्रेफाइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ग्रेफाइट, फ्री कार्बन या तो ग्रेफाइट, ठीक है। दूसरा जो है हमारा कंबाइंड कार्बन, दूसरा हमारा क्या है, कंबाइंड कार्बन, ठीक है। तो फ्री कार्बन और कंबाइंड कार्बन मतलब कास्ट आयरन में मुख्यतः दो प्रकार की कार्बन मात्रा पाई जाती है। एक पहला फ्री कार्बन, जिसको हम ग्रेफाइट के नाम से भी जानते हैं, दूसरा हमारा क्या है, कंबाइंड कार्बन। तो ये दोनों को हम समझेंगे, फ्री कार्बन क्या है, कंबाइंड कार्बन क्या है, ठीक है। तो जिस कास्ट आयरन में क्या होता है कि कार्बन की मात्रा अधिक होगी, जिस कास्ट आयरन में फ्री कार्बन अधिक होगी वो क्या होगा, मतलब मुलायम होगा। फ्री कार्बन अधिक मतलब वो कार्बन से मुक्त, मतलब कार्बन कम होगी, मतलब हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं जिस कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा कम होगी वह मुलायम होगी, ठीक है। और जिस कंबाइंड कार्बन में हम कह सकते हैं जिस कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा की अधिकता होगी, मतलब कार्बन की मात्रा अधिक होगी, उसे हम कंबाइंड कार्बन कहेंगे। तो जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगी वह क्या होगी, हार्ड होगी। याद रखिएगा, जिसमें कार्बन ना हो वो मुलायम होगी, मतलब फ्री कार्बन, मतलब कार्बन से मुक्त, ठीक है, तो वह मुलायम होगी। और जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगी, कंबाइंड कार्बन में कार्बन की मात्रा अधिक होती है, तो वह हार्ड होती है, ठीक है। तो ये जो थे कास्ट आयरन थे दो मुख्य, कार्बन की मात्रा के आधार पर, ठीक है। अब हम इसमें जानेंगे आगे, ठीक है, आगे हम ये देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मैं बता चुका हूँ यहाँ पे कि पीक आयरन और कास्ट आयरन के स्क्रैप को, याद रखिएगा, पीक आयरन कास्ट आयरन के स्क्रैप को, ठीक है, और कोयला और चूने के साथ क्यूपोला फर्नेस में निश्चित अनुपात में क्या होता है, 1250 से लेकर 1350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, कि तापमान दिया जाता है, तब बोलिए कि इतना डिग्री सेल्सियस तक तापमान दिया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद हम क्या करते हैं, इस पिघले हुए लोहे को साँचों में भर कर स्टोर कर लेते हैं। तो क्यूपोला फर्नेस से कास्ट आयरन तैयार किया जाता है, क्यूपोला फर्नेस से कास्ट आयरन तैयार किया जाता है, याद रखिएगा, क्यूपोला फर्नेस से कास्ट आयरन तैयार किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्यूपोला फर्नेस का, हम लोग जो हम कास्ट आयरन तैयार करते हैं, तो कास्ट आयरन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो हम देखते हैं कि किस इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ मीन्स गुण, ठीक है। देखिए, इसके प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सारा है, लेकिन हम मुख्य बिंदु पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कास्ट आयरन क्या होता है, ब्रिटल होता है, या क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट, या ब्रिटल होता है, ठीक है, मतलब ब्रिटल मीन्स क्या होता है, भंगुर, ठीक है, कास्ट आयरन भंगुर होता है, ब्रिटल होता है, यह डक्टाइल और मेलिएबल नहीं होता है, याद रखिएगा, यह मेलिएबल और डक्टाइल नहीं होता है, ठीक है। तीसरा हम कह सकते हैं कि इसको फोर्जिंग नहीं किया जा सकता, ये सब मैं एक लाइन में बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को ज़हन में रहे, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, जो इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके जो प्रॉपर्टीज है, कास्ट आयरन क्या होता है, ब्रिटल होता है, ठीक है, और मेलिएबल और डक्टाइल नहीं होता, और इसको फोर्ज नहीं किया जाता, ठीक है, इसको पिघला कर किसी भी टेढ़े मेढ़े आकार में बनाया जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। हम कास्ट आयरन को क्या कर सकते हैं, पिघला कर इसे किसी भी टेढ़े मेढ़े आकार में बनाया जा सकता है, ठीक है। और क्या है, इसका खिंचाव शक्ति कम और दबाव शक्ति अधिक होती है, मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी टेंसाइल फोर्स क्या होती है, कम होती है। टेंसाइल फोर्स क्या होती है, इसकी कम होती है, और दबाव शक्ति क्या होती है, इसकी अधिक होती है।
मतलब दबाव शक्ति इसकी क्या होती है, अधिक होती है, और टेंसाइल शक्ति क्या होती है, कम होती है। ये हमेशा इसको याद रखिएगा। तो इसलिए कास्ट आयरन का अधिकतर प्रयोग लेथ मशीन के बेड बनाने में किया जाता है, क्योंकि वह वाइब्रेट को दबाव को अच्छी तरह से अपनी ओर संभाल लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए कास्ट आयरन का बेड अधिकतर मतलब लेथ मशीन का बेड जो होता है अधिकतर कास्ट आयरन का बनाया जाता है, क्योंकि उसमें कंपन सहने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम इसके गुण में बात करेंगे कि यह लगभग 1150 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब हम कह सकते हैं गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट मीन्स गलनांक बिंदु जो होता है इसका लगभग 1250 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और इस पर जंग जो हो, जंग जो मतलब कोरोजन, कोरोजन मीन्स क्या होता है जंग, इस पर जंग क्या लगता है, कम लगता है, जंग कम लगता है। ठीक है, याद रखिएगा ये तीन पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि यह ब्रिटल होता है, कास्ट आयरन क्या होता है, ब्रिटल होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 1250 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस पर जंग कम लगता है। ठीक है, इस पर जंग कम लगता है, कास्ट आयरन पर जंग कम लगता है। तो ये जो हमारा आज हम पढ़ें कास्ट आयरन क्यूपोला फर्नेस पढ़े, क्यूपोला फर्नेस के अंदर उसका इंट्रोडक्शन जाने, कास्ट आयरन के बारे में जाने। ठीक है, मुख्यतः इसमें दो प्रकार के कार्बन की मात्रा के आधार पर होता है, फ्री कार्बन और कंबाइंड कार्बन। उसके बाद फिर हम क्या जाने, मैन्युफैक्चरिंग मेथड जाने, उसके बाद फिर इसके प्रॉपर्टीज जाने। तो ये इतना सारा आज हम लोगों ने कुछ जाना, नेक्स्ट में हम लोग इसके टाइप्स जानेंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे। ओके, थैंक यू।